तलत अजीज साहब और इनका पहला ही नगमा हमारे साथ सुपर डुपर हिट हुआ और क्या गाए हैं। और हम दरख्वास्त करेंगे, अभी हारमोनियम बुलाएंगे कि कुछ लाइनें आप उस नगमे की, उमराव जान का जो नगमा है, उमराव जान के लिए जरूर, जरूर, उनका आशिक क्या गा रहा है, किस तरह गा रहा है, तो वो आप थोड़ा सा। खय्याम साहब बिल्कुल मैं ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन मैं कुछ बातें बता दूं कि आपने जैसा मुझे वो आपके रिहर्सल रूम में जो इसका रिहर्सल करवाया था, मतलब वो मुझे याद है क्या लाइन थी, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में दो मीम, दोनों मीम साथ में और अलग नज़र भी आना चाहिए अलग और साथ में, तो और फिर चांद से बेहतर नज़र आती उसमें एक कण जो आप खय्याम साहब ने मतलब 15-20 दिन। अच्छा इसमें देखिए जैसे बज़्म में जी, जब भी जी, जब भी हाँ दोनों, अब दोनों देखा भी और ब जो है ना उसको सेपरेशन मिले और वो समझ में आए कि ये क्या गाया जा रहा, क्या लिखा है शायर ने। खय्याम साहब तो आपने जिक्र किया था कुछ जा, वो जा। आपके पास जो एक बहुत जबरदस्त हारमोनियम जो है, थैंक यू थैंक यू, अरे वाह, इजाजत है जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें ये जमीन चांद से बेहतर, खय्याम साहब भी वो करवा दीजिएगा, ये जमीन चांद, इस पर 15 दिन रियाज करवाया था, ये जमीन चांद से बेहतर, ये वही जगह है, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें। आपने और भी हमारे नगमात कुछ बहुत जी अच्छे वो ये है ना, कौन सी थी फिल्म लोरी, लोरी में आशा जी के साथ गाया था मैंने, तुम ही से रोशन है रात मेरी, तुम ही से हर दिन हुआ सुनेरा। अभी खासियत ये है देखिए, स्केल खय्याम साहब वही रखते थे, अगर उन्होंने रखा भी लेकिन दोनों कॉम्पोजिशंस में फर्क होता था। अब ये फिर चिड़ी रात बात स्केल वही है, सुर वही है लेकिन बिल्कुल शक्ल बदल गई, तुम्ही से रोशन है रात मेरी, तुम्ही से हर दिन हुआ सुनेरा, तुम्ही से रोशन है रात मेरी, तुम्ही से हर दिन हुआ सुनेरा। हम अपने गायक को बता देते हैं, सिखा देते हैं, लेकिन आवाज़ वो दिल से रूह से जब नगमा गाया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, उसकी शक्ल यकीनन फिर और कामयाबियों में बदल जाती है। वो आपने वो मुझे याद है फिर छिड़ी रात बात फिल्म बाजार का नगमा, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बरात फूलों की, फिर छिड़ी रात
बात फूलों के साहब, आपको याद होगा ये याद है। कहने के बेटा देखो, जो एक सुर लगाना होता है और एक सुर छोड़ना होता है, तो वो लगाने से के बाद सुर छोड़ना भी, अगर ऐसा छोड़ो कि सुर की आस रहे, तो ये बताया था। ये महकती हुई गजल जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की। मुझे याद है 20 टेक मैंने एक बार किए थे खयाम साहब के, आप भी थी भाभी भाभी कह रही थी खयाम साहब, अरे खयाम साहब अभी रहने दो, ठीक हो के बोलती नहीं जगजीत जी एक और मैं इनकी उंगली ऊपर ही रहती है एक और।